झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। निगम के हटाए गए कर्मियों को अपने साथ रखने के लिए एजेंसी मांग रही है 26,000 रुपये। नगर निगम के सभी 55 वार्ड में सिर्फ पब्लिकेशन एजेंसी होर्डिंग वाटर यूजर और ट्रेंड लाइसेंस टैक्स वसूल करेगी। मंगलवार से एजेंसी ने काम संभाल लिया। इसके साथ ही नगर निगम से हटाए गए 68 कर्मचारियों को रखने के एवज में एजेंसी 26,000 रुपये मांग कर रही है। सेंट्रल कोटे की 5 MBBS सीटों पर स्टेट कोटा के छात्रों का नामांकन, 1 फरवरी से नए सत्र की पढ़ाई शुरू। यह खबर है धनबाद से। SNMMCH में सेंट्रल कोटा के 5 सीटों पर स्टेट कोटा के छात्रों का MBBS में नामांकन कराया गया है। राज्य सरकार से अनुमति के बाद SNMMCH प्रबंधन ने 5 सेंट्रल सीटों को स्टेट कोटा में बदल दिया है। फिलहाल MNMMCH में MBBS के लिए 50 सीटें भरी हुई है। नामांकन के बाद में छात्र को हॉस्टल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन जांच में सभी छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ठीक पाया गया है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा सीएम की सुरक्षा में लगे अफसरों पर होगी कार्रवाई। यह खबर है रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के काफिले पर पथराव के मामले में की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को पहले उन पुलिस अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। उन्हें इसे खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन की पूरी विफल बताई है। बाबूलाल ने मंगलवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि सरकार पहले उन थानेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करे जो दुष्कर्म की घटनाएं रोकने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने में विफल रहे हैं। रात के अंधेरे में हो रहा था बालू का अवैध उठाव। कोडरमा के मरकच्चो में बराकर नदी में डूबी जेसीबी पुलिस के पहुंचने पर जंगल की ओर भागे तस्कर। प्रखंड के विभिन्न नदियों से बालू का अवैध उठाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस का प्रखंड प्रशासन के नाक नीचे यह कारोबार लंबे समय से चलता आ रहा है, फिर भी विभाग के अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अनजान बने हैं। क्षेत्र के बालू माफिया चतुराई के साथ रात के अंधेरे में भी बालू का उठाव कर रहे हैं। सुबह तक काम को अंजाम दे वाहन लेकर अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। झारखंड के बागमारा में कोरोना जांच रिपोर्ट में हेराफेरी, VLE पर मामला दर्ज। जाने क्या है पूरा मामला। कोरोना वायरस संक्रमण रिपोर्ट की हेराफेरी करने के मामले में झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बागमारा प्रखंड के VLE गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि पैंत काइंड के संचालक को मंगलवार शाम एक प्राथमिकी दर्ज कराने की अंतिम चेतावनी दी गई है। DC उमाशंकर सिंह ने 24 घंटे में FIR करने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर झारिया में CSC पर कार्रवाई होगी। पानी नहीं लाने पर दरोगा ने चालक को पीटा, हुआ सस्पेंड। जाने क्या है पूरा मामला को। यह खबर है लातेहार के बरवैया से। पुलिस पिकेट प्रभारी आशीष सिंह ने सिपाही राजू कुमार के साथ मिलकर सोमवार को एक टेम्पो चालक लोकेश सिंह की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पिकेट प्रभारी के आदेश देने के बाद भी बाजार से पानी का जार लाने से इनकार कर दिया था। घटना से नाराज वरकैया के ग्रामीणों ने पिकेट का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी है। इसकी सूचना पर लातेहार SP प्रशांत आनंद ने पिकेट प्रभारी और आरोपी जवान को निलंबित कर दिया है। वहीं घायल टेम्पो चालक को इलाज के लिए पहले मनिका स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद लातेहार सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार पिकेट प्रभारी आशीष सिंह ने टेम्पो चालक लोकेश सिंह से कहा कि वह मनिका बाजार जाकर पानी का जार लेकर आए। इस पर टेम्पो चालक ने कहा कि सर, मैं पानी नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मुझे मेदिनीनगर जाना है। इसी बात पर ही भड़क गए थानेदार। ई पाठशाला के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविकाएं इस तरह से कर रही हैं लोगों को जागरूक, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। कोरोना काल में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे बच्चों की सुविधा पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के नाम से YouTube चैनल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से रामगढ़ जिले के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से हो रही भयानक हमले की तैयारी, अलर्ट हुए सेना के जवान। जम्मू के नजदीकी इलाकों से आतंकवादियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
सर्दियों के मौसम में भयंकर बर्फबारी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों के घुसपैठ की साजिश में कमी आई है। लगातार कम हो रही आतंकियों का जिस तरह भारतीय सेना कश्मीर में खात्मा कर रही है, उधर पाकिस्तान की बौखलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आतंकियों के अब ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि कुछ भी करने सीमा के पार दाखिल हो। पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी का किया जिक्र, देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कहा उन्होंने। भाइयों और बहनों, देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी स्पष्ट रूप से दिखती है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मछुआरे साथियों की है। ये सभी साथी समुद्री संपदा पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े संरक्षक भी हैं। इसलिए पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को डीप सी फिशिंग के लिए जरूरी मदद हो, फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। इस सरकार ने किया बड़ा ऐलान, MBBS व BDS इंटर छात्रों को खुशखबरी मिला, ये बड़ा तोहफा। जानिए क्या है तोहफा। अगर आप उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ ने MBBS और BDS के इंटर्न छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए स्टूडेंट का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा दिया है। जी हां, अब नए फैसले के मुताबिक इंटर्न छात्रों को मासिक भत्ते के रूप में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, विस्टा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलते ही लिबरलों की छाती पर सांप लौटने लगे। देश की उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को राहत देते हुए बहुप्रतीक्षित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। वामपंथियों के चीखने चिल्लाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस अहम प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी, बल्कि यह भी संदेश दिया कि चंद बुद्धिजीवियों की आपत्ति के पीछे देश की प्रगति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बाल बढ़ने की गारंटी, 6 सप्ताह के भीतर 3 गुना फायदा, हीरो ने किया था क्रीम का प्रचार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। केरल के उपभोक्ता निवारण आयोग ने मलयालम अभिनेता अनूप मेनन और आयुर्वेद उत्पाद कंपनी धात्री पर फर्जी वादे करने के लिए जुर्माने के रूप में एक उपभोक्ता को 10,000 का भुगतान करने को कहा है। 2012 में एक उपभोक्ता ने यह आरोप लगाते हुए धात्री की शिकायत की थी कि कंपनी की हेयर क्रीम से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। आने वाली है उड़ीसा से, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, छत्र भी चोरी, मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता है आंध्र की सीमा से लगा ये गांव। शनिवार देर रात ओडिशा के एक मंदिर के देवी सरस्वती लक्ष्मी की मूर्तियों को कथित तौर पर कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा तोड़ दिया गया है। यह घटना ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे रायगढ़ जिला स्थित हुकुम टोला गांव की है। दावा किया जा रहा है कि यह इलाका मिशनरी गतिविधियों के लिए मशहूर है।
खबरों के मुताबिक भगवान रामेश्वर रामदेव मंदिर के पुजारी को अगले दिन रविवार सुबह इस मंदिर के दरवाजे खुले मिले। उन्होंने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने मंदिर के वास्तुशिल्प और मूर्तियों के टुकड़े और मंदिर परिसर में पाए। इसके बाद पुजारी ने मंदिर प्रबंधन समिति को इस घटना की जानकारी दी। मंदिर प्रबंधक समिति ने यह भी आरोप लगाया कि मूर्तियां तोड़ने वाले उपद्रवियों के भगवान जगन्नाथ के गहने भी चोरी कर लिए हैं। हिंदू नाम के सहारे महजबी युवक ने की मस्जिद में फर्जी निकाह, एक्ट्रेस प्रीति तलरेजा ने लगाया मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र में प्रीति तलरेजा नाम की कथित एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा के मामले को उजागर किया है। एक्ट्रेस ने अपने पति पर उसे मारपीट करने के अलावा धर्मांतर, शारीरिक और मानसिक शोषण आदि का आरोप लगाया है। पाकिस्तान से हिंदू लड़कियों के रेप धर्मांतर की खबरें देने वाले कार्यकर्ता पर चिल्लाते हुए चाकू से हमला। जाने माने ट्विटर यूजर और पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता राहत ऑस्टिन पर चाकू से हमला किया गया। खुद ऑस्टिन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, मुझ पर एक जिहादी ने चाकू से हमला किया। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, मगर वह शायद मध्य पूर्व या कहीं और से था। राहत ने कहा कि वह घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान आंदोलन के नाम पर मोबाइल टावर तोड़ने पर हाईकोर्ट ने मांगा पंजाब सरकार से जवाब। रिलायंस ने दायर की याचिका। किसान आंदोलन के नाम पर पिछले दिनों रिलायंस जियो टावर पर हुए हमले की बाबत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। रिलायंस ने इससे पहले कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हुए हस्तक्षेप की मांग की थी। साथ ही कहा था कि तोड़फोड़ की इन गैर कानूनी घटनाओं को पूरी तरह से रोका जाए। जानिए पीएम मोदी के हर अच्छे प्रोजेक्ट और जनहित के कार्यों को रोकने के लिए विपक्ष क्या क्या तरीके अपनाता है। जनता ने मोदी सरकार को वे सारे फैसले लेने का जनादेश दिया है जो उसे राष्ट्रहित और जनहित में लगता है। बीते 6 वर्षों के दौरान ऐसा कई बार देखा गया जब मोदी सरकार ने जनता के व्यापक हित में बड़े फैसले लिए और विपक्ष ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका विरोध किया। विपक्ष ने राफेल, 3 तलाक, CAA, अनुच्छेद 370 हटाने, कृषि कानून से लेकर सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तक का इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने और कार्य में बाधा पहुंचाने की भी कोशिश की। इससे दुर्भाग्य क्या कहा जा सकता है। विपक्ष की ओर से जनहित के नाम पर जनहित की अनदेखी की जाती है और खामियाजा देश तथा जनता को भुगतना पड़ता है। पीएम मोदी को टैग कर WHO चीफ ने दी भारत की प्रशंसा, वैक्सीन की सफलता पर सराहा। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जिस तरह से काम हुआ है, दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भारत की तारीफ तो हुई थी, लेकिन अब WHO चीफ ने भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई प्रगति पर प्रशंसा की है। भारत की प्रशंसा करते हुए WHO चीफ ड्रोस एडनोम ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। अपने ट्वीट संदेश में ड्रोस ने लिखा, भारत लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है और कोरोना महामारी को खत्म करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। भारत में आया राफेल तो बढ़ गई चीन की चिंता, दहशत में पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है कुछ ऐसा। भारतीय वायुसेना की ताकत से चीनी एयरफोर्स में दहशत का माहौल है। बता दें कि सामने आ रही जानकारी से पता चला कि भारतीय वायुसेना में जब से फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल शामिल हुआ है तब से दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल राफेल की मारक क्षमता के आगे पड़ोसी देश के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए चीन अब नए तरीके से हैंगर बना रहा है। इसके अलावा चीन अपने हवाई पट्टियों को भी अपडेट कर रहा है। इस काम के लिए चीन अपने नए दोस्त पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। बर्ड फ्लू से भयानक तबाही, बंद हुई चिकन अंडे की दुकानें, घोषित राजकीय आपदा। एक तरफ महामारी के बढ़ते कहर से देशवासियों को कुछ सुकून मिल ही रहा था कि अब एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। देश के तमाम राज्य में तबाही का नया रूप बर्ड फ्लू बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते केरल में राजकीय आपदा तक घोषित कर दी गई है। कई राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू से आफत मची हुई है। लोगों में एक खौफ
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन विपरीत हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। ममता को फिर लगा झटका, अब इस मंत्री ने दिया इस्तीफा, चुनाव से पहले छोड़ा पार्टी का साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके से झटके लगता जा रहा है। इस बीच कल एक बार फिर से टीएमसी को तगड़ा झटका लगा। दरअसल मंगलवार को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रतन शुक्ला ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। पर खेल जगत से लक्ष्मण को रोहित से उम्मीद, शतक जमाकर वापसी करेंगे हिटमैन। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट रोहित शर्मा की बल्लेबाजी शैली के लिए अनुकूल है और भारतीय उपकप्तान नई गेंद का अच्छी तरह से सामना करने के लिए सिडनी टेस्ट में बड़ा शतक बना सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।